चर्चा प्रारंभ होत हे सुनो साथ चीत दे भजो राज श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमाराय सखी जीवन माराए श्री महामती कहे ए मो मीनू भया चर्चा कब अब तुम सुनियो चीत दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्वशोभा ने योग्य हो श्री लीला अथम संबंधी धामधनी के प्यारे एवं लाडले सुंदर साद तुम्हारे तुम्हारे शिक्षणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर आज पन्ना की बिथक पन्ना का क्रम का वर्णन करने जा रहे कल हमने देखा के दोनों आत्म श्री इंद्रावती जी और श्री साकुंडल दोनों का मिलन हुआ और वहाँ को के प्रसंग को हमने छोड़ा और आगे यही प्रसंग को आगे बढ़ाए मऊ में तिदूनी दरवाजे डेरा किया ही राजा बेख बदल के दर्शन कियो ताही दर्शन मऊ में तिदुनी दरवाजे धाम धनी अक्षरातीत सिंह महाराज के धाम दिल में बैठकर श्री महामती जी के स्वरों में कह रहे हैं प्रणधार सुंदर जी कल का मिलन कहाँ हुआ तिदुनी दरवाजे मऊ सहानिया कल भी मैंने बताया था कि मऊ से सत्तर किलोमीटर की दूरी पे पन्ना पड़ता है बीच में केन नदी भी पड़ती है और मऊ सहानिया में जब तेदुनी दरवाजे श्री जी का और छत्रसाल का मिलन होता है तिदूनी दरवाजा पर भी लिखा है आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जब आगे जाएंगे तो पहाड़ पर ही एक कमान के रूप में दरवाज़ा बना है उससे आगे एक पीपल के पेड़ है उसके नीचे थोड़े आगे वहाँ ही मिलन हुआ था लेकिन यहाँ तिदुनी दरवाजे बताया कि तिदूनी दरवाजे पर क्या लिखा है बीतेगा उनचालीसा तब लगेगा चालीसा तब कोई होशी मरद मरद का चेला बीतेगा उनचालीस ये गुरु ग्रंथ साहिब की साक्षी है किसकी साक्षी है गुरु ग्रंथ साहेब की के सत्रह का समय बीत जाएगा चालीस का समय जब प्रारंभ होगा तब उस टाइम पे यहाँ ऐसी सिरदार दोनों आत्माएँ साकुंडल इंद्रावती एवं इतना नहीं श्रीअक्षरातीत अनंत ब्रह्मांडों के मालिक शिअक्षरातीत ऐसी साकुंडल ये भी दोनों सिरदार आत्माए सतगुरु ने पहले भी बताया था नौतनपुरी में साकुंडल सकुमार की कही सुनाई बात मूल स्वरूप उनके हंसत है खेल में है अपनी जात पहले से सतगुरु ने बता दिया था कि दोनों ऐसी सिरदार आत्माएँ संसार में आई है या दोनों सिरदार आत्माएँ जब जग जाएगी तब यह संसार खत्म हो जाएगा मतलब महाप्रलय हो जाएगा तो उसमें से हमने देखा तीन चार दिन प्रसंग में दिल्ली के कि वहाँ साकुमार को जगाने के लिए श्रीजी और हमारे मोमिनों ने कितने प्रयास किए लेकिन सकुमार जगी नहीं तो यहाँ साकुंडल जो बारह साल से वो इंतजार में थी बारह साल से निष्कलंग बुद्ध स्वरूप की राह दिख रही थी ऐसी साकुंडल के साथ मिलन होता यह गुरु ग्रंथ साहेब में भी साक्षी है कि उस टाइम पे ये दोनों आत्माओं का या अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति इंद्रावती के धाम दिल में बैठी होगी और उनचालीस का समय पूरा होगा और चालीस के टाइम वहाँ दोनों का मिलन होगा या तेदुनी दरवाजे राजा बेख बदल के सबसे प्रथम उसने बेख बदला यहाँ कोई वेख का कोई परिचय नहीं दिया है लेकिन बताया कि भाई बेख बदल के पहले दर्शन किया दूसरी चौपाई में बताया कि शिकारी भेष बदल के कैसे शिकारी एक शिकारी शिकार करने के लिए जैसे जंगल में जाते वे कैसे वस्त्र धारण करते कैसे भेख धारण करते ऐसे भेख धारण कर कर यहाँ दर्शन दिया मतलब श्री जी के सामने वो प्रत्यक्ष खड़े हो गए और इतना नहीं जो शिकारी रूप में वो आए थे लेकिन उस आत्म को यह नहीं पता है आगे पता लगेगा जब मोहर जो जो सिक्के की एक निशानी उसको भी मिलेगी प्रमाण के रूप में तभी पता लगेगा लेकिन अभी तो वो शिकार के रूप में आए शिकारी के रूप में उसको पता नहीं है कि मैं ही शिकार बनूंगा यहाँ शाकुंडल ही शिकार बनेगी ने श्री जी वो बोलेगे कि भाई मेरे को कोई फंदे में डालने वाले नहीं है यहाँ शिकार के शिकारी के रूप धारण कर, कर आए हैं और आगे बताया कि भाई शिकारी के रूप में श्री जी ने अपना शिकार कर लिया क्योंकि वो तो जगह जगह ठेर ठेर गाँव गाँव नगर नगर बस आत्माओं के लिए भ्रमण कर रहे हैं किसकी खोज में वो निकले हैं आत्माओं की उसको कोई संसार की नाचीज तुच्छ चीज की कोई जरूरत नहीं है हर घर में बस एक ही बात है कि आपके घर में मेरी आत्मा आई है क्या मेरी ब्रह्मात्मा आई है क्या बस मैं तो उसको खोजने के लिए निकला हूँ क्योंकि परमधाम से बारह हजार ब्रह्मात्मा है इस संसार में आकर अपने घर को भूल गई अपने निज स्वरूप को भूल गई अपने धाम को भी भूल गई है तो सबको बस याद दिलाते हैं तो सुंदर सा जी यहाँ हम देखे कि परब्रह्म की कैसी विचित्र लीला है धाम धनी की अक्षरातीत प्राण वल्लभ की कैसी विचित्र लीला है आज संसार में बड़े बड़े मठों के मठाधीश बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी लोग या पंडे लोग या पादरी लोग या मुल्ला काजियों कैसे ऐसा आराम से सुख चैन की जिंदगी बिता रहे और जिस अक्षरातीत के चरण कमल से ये पूरा संसार अखंड होने वाला है वो जग जग ठेर कैसे भ्रमण कर रहा है बस कई बार धूप शीत वर्षा ऋतु में नंगे पैरों से वो निकल पड़े बस और कुछ नहीं चाहिए बस मेरी आत्मा चाहिए किस लिए वो निकल पड़े हैं धाम धनी किस लिए निकल पड़े बस उसको एक ही अंदर इंद्रावती को दर्द दे क्योंकि इंद्रावती को बताया था कि हे इंद्रावती तेरे तन से तेरे शरीर से ही पूरे संसार की मुक्ति होने वाली है बताया था न पियाए जगाए मोहे एकली में जगा जुथ पिया ने मतलब सतगुरु ने इंद्रावती को शोभा दी उत्तर दायित्व दिया जागणी का कि हे इंद्रावती तेरे से पूरा संसार की मुक्ति होने वाली है इंद्रावती ने अपना कर्तव्य पूरा कर रही इंद्रावती क्या कर रही है अपना कर्तव्य पूरा कर रही है बस एक ही दर्द है कि ये ब्रह्म ज्ञान ये अवलौकिक ज्ञान पूरे संसार में फैल जाए सुख शीतल करो संसार चोर टाड़ी करू वो लाओ करू सुख शीतल करो संसार अनेक विधे सुख क्या बोला करो संसार पूरे संसार को अखंड ब्रह्म ज्ञान से पहचान करवानी है बस एक ही लक्ष्य एक ही उद्देश्य है कि बस जो आए, आज धर्म के नाम पर आज संप्रदाय मत पंथों के नाम पर कितना संघर्ष हो रहा है कितने झगड़े हो रहे हैं कितनी रक्त की होलियां खेली जा रही है लोगों को पता ही नहीं कि धर्म किसको कहते हैं लोगों को पता ही नहीं कि धर्म कहते हैं किसको तो धर्म के नाम पर आज जो झगड़े जो भी लड़ाइयाँ हो रही है उसमें कई लोगों के रक्त बहे हो जिसकी नदियाँ की नदियाँ बही है जिसमें कई लोगों की हड्डियों हड्डियों के ढेर बन गए होंगे जिससे पहाड़ बने हैं सुंदर सात जी आज धामधनी को बस एक ही दर्द है इस प्रसंग से बस इतना ही लेना है कि हमको क्या करना चाहिए ये वाणी आज सवा तीन सौ साल से हमारे बीच में आ गई तो हमको क्या करना चाहिए किसी को लगी है क्या आज सब ऐसा आराम सुख चैन की जिंदगी बिता रहे हैं एक धाम धनी को लगी है वैसे तो धामधनी नगर नगर जगह जगह ठेर ठेर गए देश में गए विदेश में भी गए देखो इंडिया में भी भ्रमण किया विदेश में भी गया मस्कत अबासी ठा लाठी कई विदेश में भी इराक ईरान उस तरफ भी अरबस्तान की धरती पर भी गए थे तो यहाँ बताया कि जगह जगह गए श्री जी लेकिन कहीं भी उसके चरण कमल से पूरे संसार पवित्र हुए लेकिन कहीं उसकी इच्छा नहीं हुई कि बस जागनी के झंडे यहाँ बस गाड़ना गारे कहा पहुंचे पन्ना धाम में पहुंचे तभी उसको यही इच्छा हुई कि नहीं बस हमारा अंतिम डेस्टिनेशन अंतिम बस ये जहां झंडा पहले से मूल मिलावे से दिल में ले लिया था कि चौदह दबक के हक के लिया पहले ये दिल में ये जो चौदह तबक तामे जम्बू द्वीप में, में तामे भरत खंड इतना ही नहीं तामे भरतखंड में भी तामे बुंदल खंड तामे फरना ठोर की तामे छत्रशाल नावे पटंतर और क्या बताया पहले से धामदनी ने चौद लोक में नव नवदीपों की बात की है तो उसमें जम्बू जंबु द्वीप जम्बूदीप जंबु भी कितने आइलैंड है कितने टापू है उसमें भी क्या बताया कि बुंदेलखंड ये इंडिया भारत उसमें भी एमपी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड पन्ना ठोर पन्ना ठोर में भी क्या दिल में लिया ये पदमावतीपुरी धाम पन्ना और वहां अपने जागनी का मूल मिलावा बनाया क्या बनाया जागनी का मूल मिलावा बनाया परम धाम में तो मूल मिलावा है ही, ही लेकिन यहाँ के मूल मिलावे जागनी के ये घूमट जी दरबार बंगला जी और ब्रह्मा चबूतरे यहाँ तेदुनी दरवाजे जब मिलन की बात की ये बस प्रसंग से एक ही बात अंदर से दर्द से लेनी है कि सुंदर साह जी हमारे धनी ने हमारे लिए क्या क्या किया उसने जो पहले से बोला था कि सुंदर शाह जी आप भूल जाओगे ना मूल मिलावे से बोला था तब मैं आपको जगाने के लिए आऊंगा ऐसा नहीं मैं शास्त्रों में आपकी लिखाऊँगा तो उस हिसाब से वही सही टाइम पे बताया ने पीयू हम हम वास्ते पांच बेर सागर में डारिया आप क्या बताया पीयू हम वास्ते पांच बेर सागर में डारिया शिकारी बेस के बाद जब शिकारी भेष में जब प्रणाम किया और बोला कि बाबाजू राम राम क्या बोला बाबाजू राम राम तो यहां बाबाजू राम राम क्योंकि अभी तो पहचान नहीं है ना अभी आगे धनी की पहचान होगी तो यहां बताया कि बाबाजू राम राम लेकिन दूर खड़े रहे कहां रहे अंदर थी तो अभी स्वाभिमान है अभिमान नहीं है लेकिन स्वाभिमान है ना क्षत्रिय है अंदर का जनून भी है रक्त में जो खोल रहा है तो बस स्वाभिमान है अंदर तो उसने सोचा कि मैं दूर एक बिछोने के किनारे पर खड़ा रहकर अनपढ़ की तरह जैसे कोई पहचानते नहीं है ऐसे दूर बिछोने से खड़े रहकर बोला कि बाबा जो राम राम तब तो श्री जी ने बोला बाबा ईताओ बाबा जो राम राम नहीं बोला क्या बोला बाबा जी बस ईताओ तो थोड़े बस दूर बिछोने से अंदर थोड़े आए श्री जी ने दोबारा बोला कि और इताइए आईये ना अंदर नजदीक तो फिर श्री जी ने बोला कि और इताइए बस आप तो मेरे फंदे में फंस गए हो तीसरी बार क्या बोला आप तो मेरे फंदे में फंस गए हो तब छत्रसाल ने अपने स्वाभिमान के साथ बोला साकुंडल भी बैठी है इतनी बलवान आत्मा परमधाम की दिव्य आत्मा तो स्वाभिमान तो होना ही चाहिए तो यहाँ क्या बोला कि भाई मेरे को फंदे में डालने वाला ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है तब श्री जी ने बोला कि नहीं आप मेरे फंदे में आ गए हो यहाँ आइए ना का आइए ना आप कहाँ तक दूर भागते रहोगे तब जब का आए तब उसने बोला कि जो मेरे गले में लॉकेट है आज बारह साल से ये लॉकेट में पहन रहा हूँ और जो बारह साल पहले स्वप्न में मेरे को निष्कलंक बुद्ध स्वरूप ने बोला था वो बोला था कि छत्ता तू जरा भी चिंता ना करे मैं पल पल तेरे साथ हूं क्या बोला मैं पल पल तेरे साथ हूं तो ये लोकेट जब दिखाया तो जी ने अपना बिछोना के एक कोने को ऊंचा कर कर दिखाया कि देखो छत्ता तब तो अनंत मोहरे थी अनंत सिके थे जहां अक्षरा तेतु हो जहाँ धाम के धनी हो जहाँ सदा सुख के दातार हो जहाँ सर्व शक्तिमान हो जहाँ सकल गुण निधान हो वहाँ कोई कमी होती है क्या कोई कमी होती है क्या अभी तो पहचान नहीं है ने, बाकी तो सर्व कुछ समर्पण कर देंगे, तो बिच्छू ने जब ऊंचे किए तब तो अनंत सीखे करोड़ों ने गिनती में नहीं बेसुमार जब देखा फिर मिलान किया कि जो मेरे गले में लॉकेट में है वही तो वो सिक्का है ने तब देखा तो दोनों सेम समान सिक्के थे तभी तो कोई बात ही कहाँ रही पूछने की तो कोई बात ही नहीं रही बस अंदर से सोच लिया कि जिसकी मैं बारह बारह साल से बात दिख रहा था बस वही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप बस चरणों में सीधे झुक गए दंडवत बन दोनों चरणों के बीच में अपना मत्था टेका सिर को स्पर्श किया और बोला बस धाम धनी में आज आपके चरणों में रोज के लिए कैसा समर्पण एक एक शब्द को ध्यान में लेना छत्ता एक मतलब एक कोई करके नहीं हम सब ने किया ठीक है हम सबको परम धाम जाना है ना जाना है ना सबको परम धाम तो छत्र साल की जो कुर्बानी है ये हम आगे जब पन्ना में हम आएंगे मऊ से तब आगे और देखेंगे यहां बस अंदर गए अंदर जाके उस सोचने लगे कि बस निष्कलंग बुद्ध स्वरूप और महारानी वहाँ देवकुरी जी वहाँ रहता था तीन रानियाँ थी सुशीला महारानी देवकुरी और कमला रानी तो देवकुरी वहाँ तब मऊ में सहानिया में रहता था तो वहाँ अंदर जाके रानियों को बोला कि रानी साहेबा चलो जल्दी से तुम बाहर आओ ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप ये पूर्ण ब्रह्म कहो या तित कहो या प्राणनाथ कहो वो आ चुके हैं बस दर्शन कर लो देखो इतनी देर में ईमान हम कितने सालों से चर्चा सुनते आ रहे हैं कितनी देर बात सुनी उसने समझ में आया एक एक प्रसंग क्या कहना चाहते हैं कितने सालों से सुनते फिर यहाँ सुनते फिर बोले नहीं 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 यहां से तो हम वहां गए थे वहां तो कोई और गहरी बातें थी या इसकी चर्चा अच्छी या इस बस हम तो सिर्फ अंतर करना या निर्णय करना बस वही में हमारी पूरी लाइफ संशय और भ्रांति हमारे अंदर दूर नहीं होती है सुंदरसा जी या छत्रसाल हमने आगे भी देखा था कि लालदासी ने कितनी देर में पहचान की थी चिंतामणि ने कितनी देर में पहचान की थी और और केशवदास जी तो सिर्फ भगवान दास रेवादास के मुख से शब्द सुनते ही निकल पड़े थे ना श्री जी के सामने तो प्रत्यक्ष आए भी नहीं थे हम कितने सालों से चर्चा सुनते हैं। क्या हमारे अंदर ये घाव लगे क्या हमारे अंदर ये चोट लगी बाकी हम अर्जी में बोलते हैं ना जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखते कि जब तुम आप दिखा ब नजर जी ए पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी पिया स्वयं दिखाने के लिए आए ना तभी हमने क्या बोला देखू नैनन नजर जी हम भूलेंगे नहीं हम रोज अर्जी में तो रोज बोलते हैं ने कि धाम धनी आप जब दिखाने के लिए आएंगे ने तब मैं बोलूंगी नहीं इतना नहीं इतनी पुकार पिया सुन के मैं अभी दिल क्या करूं मतलब देर क्यों करूं बस मैं तो आपके चरणों में झुक जाऊंगा हम रोज कई कई शब्द बोलते हैं वैसे वैसेमतारतम में भी कदाचित मंत्र जाप करते होगे तो भी बोलते हैं कि सतवाणी मठ के लेऊ जो इनको सार इन सार में कई सो निर्णय करूं बोलते हैं ना उस और उसमें कई सार तत्व ऐसा नहीं उसमें से मैं कुछ निर्णय करूं निर्धार बोलते तो है। लेकिन प्रैक्टिकल हमारे दिल में वो जो चोट लगनी चाहिए अ छत्र साल जी ने अंदर जाके रानियों को बोला कि तुम दर्शन कर लो रानियों रानी साहिबा जो और ब्राह्मणी लोग ब्राह्मण लोग लो थे उसके साथ रानी भी बाहर आए और श्री जी के दर्शन किए दर्शन करने के बाद उस टाइम पे क्या हुआ बस सबने आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सबने ये श्री जी का जो सम्मान किया और आदर किया और इस टाइम पे ब्यूगल बजा क्या अफघन ने पूरे मऊ सहानिया को घेर लिया था उस टाइम पे ब्यूगल बजा तो इस टाइम पे जल्दी से छ्री जी के चरणों में आए और फिर प्रणाम करके बोले कि हे श्री जी बस कदाचित ये मारा आखिरी प्रणाम हो क्या बोला छत्रसाल जी ने देखो अफघन ने पूरा ही सैन्य से पूरे मऊ को घेर लिया है कदाचित ये मेरा आखिरी प्रणाम हो तब सीजी ने आशीर्वाद दिया सिर पर वरद हस्त रखे और रुमाल भी ऊपर रखा क्या रखा सिर पर रुमाल भी ओढ़ाया और वरद हस्त भी रखा और आशीर्वाद भी दिए कि हे छत्ता आपकी विजय सी होगी क्या बोला आपकी विजय सी होगी आपकी हार आपका पराजय नहीं होगा आप जाइए बस धाम धनी का आशीर्वाद है तो उस टाइम पे छत्र साल तो जल्दी से बस अपना जो एक लड़ाई के वस्त्र हो वो धारण कर कर वहाँ से निकलते और जो दरबारी लोग और भी बैठे थे उसने भी आ, सोचे उसने भी सोचा विचार करने लगे क्या विचार करने लगे कि ठीक है चलो छत्रसाल को आशीर्वाद तो दे दिया सिर पर वरदस्त तो रख लिए लेकिन हम उसकी परीक्षा लेंगे सही में एक क्षत्रिय है और ऐसे एक फकीर के चरणों में झुक गया है सही में निष्कलंग बुद्ध स्वरूप है क्या जो ये युद्ध जीत कर आएंगे तो हम भी किसने ये सोचा दरबारी लोगों ने तो हम भी मान लेंगे नहीं तो हम मानेंगे नहीं तो दरबारी भी सोचने लगे लेकिन यहाँ से छत्र साल गए युद्ध में अपनी विजय हुई कैसे विजय हुई अफगान के सामने जब लड़ने के गए तो अफगान के पूरे सैन्य सीजी के सामने थे तो अफग़ान के पूरे सैन्य ऐसे नाच गान में और शराब में डूबे हुए थे उसको पता ही नहीं था सीजी जी ने बस सीधा छत्रसाल जी ने वार कर दिया वहाँ जाके और इतना ही नहीं आगे जब अफ़गान आए तब अफगान आए तो अफगान भी अपनी मस्ती में शराब के नशे में चूर थे तो उस पर जब वार किया तो तलवार जब उस पर जब पहुँची उस सीने पर पहुँची तो वो भी घायल हो गया और वहाँ से कैद भी किया गया और छत्र साल वहाँ से विजय हो के घर पे वापस लौटे इस तरफ यहाँ जो पाँच हजार की जमात बाजूराज के साथ कहाँ छोड़ी थी पन्ना के अंदर मैंने कल बता दिया था ना विस्तार से पाँच हजार की जमात को श्री जी जो वृद्ध और बच्चे महिला लोग सबको कहाँ छोड़ा था पन्ना में अमराई घाट पे जहाँ घने आम के वृक्ष के पूरे ही जंगल है इसलिए उसको अमराई घाट कहा जाता है जो किल किला नदी बह रही है उसके किनारे पर उस तट पर सबको वहाँ छोड़ा था और वहाँ छोड़ा था तो श्री जी फिर सब सुंदर साथ को लेकर कहाँ आए वो युद्ध में युद्ध के लिए गए छत्रसाल और श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर मऊ से सीधे पन्ना पहुँचे और अमराही घाट पर जब पहुँचे उस टाइम पे तेज कुरी जी को जब तेज कूरी ने सुशीला महारानी को तब उस टाइम पे जगा दिया था मतलब अपने धाम की ब्रज और रास की लीलाओं का वर्णन कर कर तेज कुरी जी ने सुशीला महारानी को धाम की पहचान स्वरूप अक्षरातीत की जुगल स्वरूप की भी पहचान करवाई दी थी जब इतने दिनों में जब वापस लौटे तब और यहाँ मैंने अभी भी बोला कि झंडा अंतिम कहाँ गाड़ा पन्ना की धरती में तो यहाँ से जब छत्र साल लेके जाएंगे लेकिन अपना अंतिम जहाँ स्थान पहले से मूल मिलाव में निश्चित किया था वो स्थान तो आ गया ने पन्ना तो उसकी साक्षियाँ और धर्मशास्त्रों में भी दी है कि पद्मावती के न शरदे विंध्याचल पर्वत पुष्ट से इंद्रा नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे क्या बताया पद्मावती के सरदे विंध्याचल पर्वत पुष्ट थे कि पद्मावती पुरी और केन नदी के किनारे जो पद्मावती पुरी का पूरी जो धाम बना है मतलब ये शहर बना है केन नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पुष्ट थे और किस पर्वत पर विंध्याचल आप बोलते हो ने गौरी में भी विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहा बंगला मट हे बनियों जी को हीरा ना तखत धराई विष की न की नो किनो सुख सब न चाए नाम माला उर धारो रे साधो नाम माला उर्धारो क्या बताया यहाँ प्राणनाथ ये यह आएगा नहीं प्राणनाथ मन भाए अली मोही प्राणनाथ मन भाई तो क्या बताया यहाँ विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए घूमट बंगला अभी आगे ये शोभा भी होगी और यहाँ क्या बताया कि भाई विंध्याचल पर्वत के ऊपर ये श्लोक में भी बताया कि पद्मावती के, के नरदे विंध्याचल पर्वत पुष्ट थे इंद्रा नाम सा देवी कौन सी देवी इंदिरा એટલે ઇન્દ્રાવતી દેવી ઇન્દ્રાવતી નામ કી સખી વહ આયેગી ઓર કબ આયેગી તો બતાયા કે કલયુગ મે ભવિષ્યંતી કલયુગ મે ભવિષ્ય મે કલયુગ મે આયેગી ઓર ભી એક પ્રમાન બતાયા કે સુંદિરા ઇન્દિરા નામ સા દેવી નાભાભ્ય ચંદ્ર સૂર્યો માના અંધકાર વિનાસાએ પ્રતિબધી ભવિષ્યતિ કલયુગે ઉસમે ભી ક્યા બતાયા સુંદરા ઇન્દ્રા નામ સા देवी नामा भी चंद्र सूर्य यो सुंदिरा और इंदिरा दोनों सुंदर सुंदरबाई के अंदर कौन बैठे देवापी के जीव और इंद्रावती के अंदर मरु के जीव नामाभिय चंद्र सूर्य यो वो किस वंश में आए एक सूर्य वंश में और एक चंद्र वंश में देवचंद्र जी चंद्र वंश में आए और मिहिराज वंश में आए और आगे भी बताया कि माना अंधकार विनाशा भविष्यति भविष्य कलियुगे जो यज्ञानता के अंधकार पूरे संसार में फैला हुआ है ये दोनों सखिया जब इस संसार में आएगी तो यज्ञानता के अंधकार को दूर करेगी और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी ये भी प्रमाण थे और हमने ये गाया कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए घुमट बंगला बनियों हैं धनी जी को यहाँ जब सुंदर साथ पास जब श्री जी पहुँचे थोड़े सुंदर साथ को लेकर तो गोड़ लोग आए कौन आए अमराई घाट किलकिला नदी के किनारे जो आदिवासी लोग गोड़ लोग थोड़े दूर बस बसती थी उसकी बसवाहट करते थे वहाँ से जल्दी से वो दौड़ कर आए उसको बस यही डर था कि ये लोग उसका पानी जल पी लेंगे ये पानी पी लेंगे क्योंकि ये पानी तो विशेला है तो ये लोग पानी पी लेंगे तो ये मर जाएंगे तो जल्दी से वो आकर बोले कि उसका पानी मत पीजियो उससे तो आप मर जाओगे क्योंकि विसेला है तब सुंदर साथ ने उसका कुछ नहीं सुना अनसुना कर दिया क्या किया सुंदर साथ जिसके साथ अक्षरातीत हो जिसके साथ ब्रह्म परमात्मा हो स्वयं धाम के धनी हो तो क्या किया सुंदर श्री जी के जो दाही ने के अंगूठे को धोकर क्या चलना अमृत को क्या किया नदी में नदी में डाल दिया तो नदी क्या बन गई विश की नदिया अमृत की नो सुख सबन पहुंचाए और पीछे नायो सकल समाज तो पूरी विश्व की नदियाँ अमृत बन गई और समस्त सुंदर साथ ने वहाँ स्नान भी किया और भोजन के लिए रसोई आदि के लिए पानी भी लिया भोजन भी बना और सबने वहाँ भोजन भी किया इतना ही नहीं गोड़ लोगों ने सोचा कि जब द्रापर में ये ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के अवतार के रूप में आए थे कैसे आए थे कृष्ण के अवतार के रूप में तब उसने क्या किया था जमुना जी का विषेला पानी अमृत किया था वैसे वो कोई पार ब्रह्म है ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो गए तभी तो ये पानी विष का अमृत बन गया ये लोग ये सोच रहे और उसने भी एक आश्चर्य उसको भी एक आश्चर्य लगा वो भी चकित हो गए कि भाई ये तो कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है कोई देवी देवता के भगवान अवतार नहीं है तभी तो ये पानी अमृत बना उस टाइम पे छत्र साल जो वहाँ युद्ध का काम पूरा हुआ मतलब वहाँ विजय हुई उसकी और मऊ से सीधे कहाँ पहुँचे अपने कई दरबारी लोगों को रूप सिंह को पर्वत सिंह को हिम्मत सिंह को ऐसे कई दरबारी लोगों को लेकर कहाँ पहुँचे वो अमराई घाट पे किल किला नदी के किनारे पहुँचे उस टाइम पे श्री जी ने स्नान कर लिया था स्नान के बाद वो भोजन करने की बस तैयारियां कर रहे थे भोजन के लिए भी बैठे उस टाइम पे छत्रसाल और थोड़े दरबारी लोग आए तो श्री जी ने जो भोजन किया ने भोजन वाली जो जुठी थाली थी उसमें क्या किया छत्रसाल जी ने पहचान तो हो गई थी कैसे पहचान की थी सुंदर साथ जी उसने सात समत के बीच में चौपाई भी लालदास जी महाराज ने इसमें बताई है कि सात समझ के बीच में जुगल धनी बैठाई ये साक्षात तुम अक्षरातीत हो हम छिने तुम्हें बनाए क्या बोला साक्षात तुम अक्षरा ती तुम कोई स्वर्ग वाले कोई दे तैतीस कोटि देवी देवता नहीं हो उससे आगे कोई तुम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो तुम अवतार नहीं हो तुम नारायण नहीं हो तुम ब्रह्म भी नहीं हो उससे आगे तुम कौन हो पूर्ण ब्रह्म हो अरे यहाँ बताए सात समझ के बीच में जुगल धनी बैठाई ए साक्षात तुम अक्षराती तो हम हैं, तुम्हें बनाई मैंने पहचान लिया है आपको आप अभी छुपाएगे ना आपकी लीला को तो आपका बस चलने वाला नहीं है मैंने आपके स्वरूप को पहचान लिया है सुंदर सा जी इतनी देर में कैसे बोल दिया हम तो कई बार राज्य के में अंदर भाई संशय कोई काम हमारा सांसारिक पूरा नहीं होता ने तो हमारा ईमान फिर चेंज हो जाता बदल जाता परिवर्तन हो जाता हम बोलते कि भाई जब से देवी को छोड़ा या जब से ये छोड़ा तब से हमारे घर में ये वो रहा है मतलब हम एक हमारे ईमान पर हम अडिग नहीं है ठीक है हाँ ठीक है सब सुंदर साथ की मैं बात नहीं कर रही हूँ लेकिन जो ईमान से हमारे जो सुंदर साथ ने पहचान की रास्ते में ब्रह्म मुनियों ने जो पहचान की है उस पहचान से हमको भी एक सीख लेनी है एक शिक्षा लेनी है एक बोध लेने है कि कैसे पहचान की है और दरबारी लोग भी वहाँ खड़े थे बलदीवान काका के अंदर दज्जाल बैठ गए कौन बैठ गए अज्ञानता थी ना उसके अंदर उसने पहचाना नहीं था पूर्ण रूप से ऐसा है ना पहचानना और पूर्ण रूप से पहचानना दोनों में फर्क है ठीक है पहचान तो हर कोई करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से पहचान होनी ने और डिफरेंट है यहाँ छत्र साल ने पूर्ण रूप से पहचान लिया है बलदीवान काका के अंदर क्योंकि छत्री है ने तो उसको ऐसा लगा कि अरे हमारे क्षत्रिय कुल में कैसी मर्यादा होती है कैसे मान लज्जा होती है मर्यादा होती है और देखो एक हमारे छत्ता छत्रिय ओके एक हिंदू मतलब वैरागी के चरणों में झुक रहा है तो उसके अंदर ये शंका थी ने तो वहां से कहाँ लेके जाते फिर वहां जाके समझाएंगे शंका तो यहाँ उत्पन्न हो गई है किस को बलदीवान काका और दरबारियों को और यहाँ वहाँ भी ऐसा होगा यहाँ से ले लेके जाते सुखपाल में बिठा के किस में बिठा ले के लेके जाते राजकुरा राजकुमार, मजली रानी छत्रसाल अपने कांध पर सुखपाल को रख कर कहाँ लेके चोपड़े की हवेली में लेके जाते हैं और वहाँ लेके पहले अपने दरवाजे पर खड़े करते हैं दरवाजे पर खड़े कर कर फिर अंदर से सोचते भूल गए वो सीधे ही कि अरे मेरे घर पे कौन आए क्योंकि मिलन हुआ ने धना धन सखी मेरे सोई रे दीना चीना दीना पिया जिसो हु रे मिलन धना धन सखी मेरे सोई रे दीना चीना दीना पिया सो हु रे मिलन धना धन सखी में भाई सोहागी ना धना धना धनी पर मैं भाई कुरान धन धन सखी मेरे सोई रे दीना जीना दीना पिया जी सो रे मिलन घर घर पे कौन पधारे धनिया धनिया दिवस मेरे आज के आज मेरे घर अक्सरा तित बधारे फिर वहाँ सुखपाल पहले चोपड़े की हवेली में बाहर रखे फिर अंदर लेके गए अंदर जो पूरा माहौल में एक एक कक्ष में एक एक कमरे में कांध पे लेकर सब जगह घुमाया सब जगह भद्रामी की और धामधनी श्री जी की और बाईजू राज की दोनों को बिठाया था और फिर सुखपाल को एक जगह रोके हम चोपड़े की हवेली में जाते तब देखते ना दोनों चौपूड़ा तो वहाँ है इसलिए उसको चौपड़े की हवेली बोलते हैं जहाँ जमुना जी के और गंगा जी के जहाँ कुंड बने ठीक है तो चोपड़े तो वहाँ बने हैं चौपड़े मतलब चार कोने वाले चोपड़े एक कुंड बने हैं तो उस इसी हिसाब से उसको चोपड़े की हवेली बोलते हैं ये कुंड तो बाद में की बात है लेकिन यहाँ जब जो पहले हम निज मंदिर में जाते हैं वहाँ एक आगे थोड़ा छोटा सा और भी एक मंदिर है जहाँ पहले चरण पता चरण कमल का भी दर्शन करते तो पहले वहां सुखपाल को उतारा फिर अंदर जाके महलों में भी घुमाया और फिर रखा फिर अंदर महलों में घुमाया फिर सुंदर जी सुखपाल से नीचे उतार कर श्रीजी और बायजूराज को क्या बोला पता है श्री जी ने छत्रसाल जी ने कि हे श्री जी, हे धाम के धनी हे मेरे प्राण के प्रीतम हे मेरे प्राण वल्लभ हे मेरे प्राणनाथ, भले आपके साथ तेज कुरी जी है परमधाम में तो श्यामा जी के अंदर जो श्यामा जी की सुरता सुंदरबाई के रूप में इस संसार में आई ने, अत्यारे आपके साथ तेज कुरी जी उसके अंदर कौन आत्मा बैठी थी अमलावती की ठीक है तो परमधाम के हिसाब से वो राजजी और श्यामा जी नहीं कहे जाएंगे ठीक है लेकिन छत्रसाल यही स्वरूप में देखा छत्रसाल ने कई किस स्वरूप में देखा कि परमधाम में तो श्यामा जी सुंदरबाई के स्वरूप में ही संसार में आई है कल मैंने चौपाई के माध्यम से बताया था ने कि सुंदरबाई इन फेरे आई साथ कारण जी भेजिए धने आवेश दे के न्यारे नो एक खीन जी यहाँ छत्रसाल ने इस रूप में देखा कि भाई आपके साथ बाइजूराजी अंग संग रही ने बाजूराज जी अंग संग्रही एक धर्म पत्नी यहाँ की तरह और अंदर अमलावती की भी आत्मा है तो चलो मैं तो जुगल स्वरूप के रूप में ही देखूंगा किस रूप में देखूंगा जुगल स्वरूप में तो आप ऐसा करो सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और मेरे को आपकी आरती उतारनी है क्या करना है आरती उतारनी है और आरती उतारनी है सुंदर जी <coughs> इससे पहले जो पावड़ा बिछाया क्या किया सी जी का पद्रामणी के टाइम पे पावड़ा बिछाया तो पावड़ा जब बिछाया ने तो छत्रसाल जी ने अंदर क्या भाव लिया पता है मैंने बोला ना कि क्षत्रिय खून है ना अंदर तो उसने ये सोचा कि लौकिक नाते तो यहाँ तो हमारी एक रजवा राजाओं की कैसी मान मर्यादा और हमारे अंदर एक स्वाभिमान भी होता तो लौकिक नाते पहले तो मेरा ही मतलब स्थान होता पावड़े बिछाने में लेकिन वो इतने भावुक हो गए इतने प्रेम में डूब गए छत्रसाल तो थोड़ी उसने देर कर दी पावड़ा बिछाने में तो क्या किया मजली रानी ने क्योंकि प्रेम में डूब गए ना छत्रसाल जी तो मजली रानी ने सोचा कि चलो मैं उससे पहले मेरी साड़ी का पावड़ा बिछा दूँ तो साड़ी का जैसे पावड़ा बिछाया तो छत्रसाल को लगा कि नहीं 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 लौकिक नाते तो तू मेरी यहाँ के धर्म पत्नी होने यहाँ की तो नहीं पहले तो मेरा अधिकार बनता है किसका अधिकार बनता है ये साल ने अंदर सोचा ध्यान से सुना लेकिन सामने बैठे-बैठे मंद -मन रहे तो तन की जाने श्री जी तो तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी इस साहेब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी डोरी तो श्री जी को पता लग गया कि छत्र साल के अंदर भेदभाव थोड़ा उठा के भाई लौकिक नाते मैं तुम्हारा पति हूं तो मेरा अधिकार पहले बनता है तो तूने क्यों बिछाया तो पावड़ा उठाया अपनी पाग बिछाई क्या किया अपनी साड़ी बिछाई तो और दरबारी लोग भी देख रहे थे और छत्र साल जी ने अपनी पाग बिछाई लेकिन पाग थोड़ी शॉर्ट पड़ी मतलब वहां तक पहुंची नहीं कम पड़ी क्या हुआ क्योंकि श्री जी ने देख लिया ना कि इतना भी अहंकार अंदर आना चाहिए नहीं जहाँ सूक्ष्म भी अंदर इतना भी रहेगा ने, तो मैं आपको मिलूंगा नहीं और आपने इतना भेदभाव क्यों किया तब मजली रानी सोच रही है अरे धाम धनी क्या मैं स्त्री रूप में यहाँ आई है क्या मैं गुनेगार हूँ मतलब मेरे को आपने अपने हुक्म से स्त्री रूप में आत्मा को भेजा है तो मैं भी तन में होती तो पहले मेरा अधिकार बनता न या बाजूरा नहीं मजली रानी क्या सोच रही है छत्रसाले जब उठा लेने साड़ी तभी उसने सोचा कि मैं भी पुरुष तन में होती तो पहले मेरा भी अधिकार बनता ने तो धनी क्या मैं स्त्री तन में आई है? मैं गुनेगार हूँ क्या सी जी तो सब कुछ तन की मन की जान गए तो पावड़े पाग के वहाँ कम पड़े वहाँ फिर मजली रानी की साड़ी बिछानी पड़ी और बिछाते बिछाते वहां कहाँ पहुंचे सिंहासन तक पहुंचा दी और वहां से दोनों स्वरूपों को जुगल स्वरूप को सिंहासन पर बैठा दिया और आरती उतरे इससे पहले छत्रसाल ने अपनी पाग क्यों बिछाई राजा दरबारी लोगों के महल में तो कोई और कमी तो होती नहीं कारपेट गलीचे जो भी चादरे हैं कोई भी चीजों की वहां तो कमी नहीं होती वहां तो अखुट भंडार राजा के दरबार में होते छत्रसाल ने कहाँ तक की पहचान की है कि मरे घर पे कौन आए हैं और मेरी पाग यही टीका यही पावड़ो यही न्योछावर आए प्राणनाथ के दिन पर छत्ता बली बली जाए यही टीका यही पावड़ो उसमें कहने का क्या भाव है कि धाम धनी मेरी जो पाग बिछी ने उसमें मेरा सब कुछ मैंने न्योछावर कर दिया क्या न्योछावर किया मेरी पाग मतलब मेरी टीका मतलब मेरी पाग मैंने सिर से नीचे उतार कर क्यों बिछाई मेरे अंदर टीका मतलब मेरे अंदर जो सूक्ष्म भी अहंकार भी ना बचे सूक्ष्म भी अंदर कोई भी अवगुण ना बचे बस मेरे अंदर कुछ भी ना रहे तो मैंने अपनी सिर देखो दरबार में जो राजा लोग होते न वो अपने अंदर एक सूक्ष्म अहंकार रहता कि भाई हम तो राजा लोग हैं और पाग बिछाना मतलब चरण से लेकर सिर एक ऊपर आता ने भाई समझ में आ रहा है चरण से लेकर सिर ले मान लो कि मर्यादा सिर पे पूरी हो जाती ठीक है लेकिन सिर से ऊपर भी पाग रहती है जैसे मंदिर मंदिर पे पर कलश रहता कलश पे ऊपर क्या रहता क्या रहती ध्वजा रहती ने तो यहाँ एक हद सी हो गई ने मतलब सिर से ऊपर भी पाग पाग को किसी के चरणों में अपने तन मन जीव धन सब कुछ तो न्योछावर कर दिया अपना कुछ रखा नहीं लेकिन अपनी पाग बिछा दी उसके चरणों में कि हे धाम धनी मेरे अंदर मेरा थोड़ा कुछ भी अहंकार में नहीं रखूँगा मेरा सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर है मेरा सब कुछ आपके चरणों में पढ़े समर समर्पित है धामधनी आज से मेरे कहने के लिए मेरा कुछ नहीं बचेगा हम क्या कई बार बोलते कि ये मैं माया से हट गई मतलब उसमें मेरी कोई ध्यान नहीं रहती आ, मैंने ये छोड़ दिया घर परिवार को छोड़ा ये छोड़ा ये वैराग्य बेस धारण किया या मैंने ये किया मैं आश्रम में चली गई या मंदिर में चली गई तो अभी मेरा तो रहा न मैं मैं तो रही ने जब ये मैं भी टल जाए मैं की खुद ही जो अंदर की ये ये भी ना रहे हाँ स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं स्वाभिमान तो होना ही चाहिए लेकिन अभिमान नहीं यहाँ क्या बताया कि मेरी अंदर की जो खुदी थी ये भी मैंने तुम्हारे चरणों में बिछा दी है या पाग बिछा के सुंदरसा जी हमको बताया कि पाग क्यों बिछाई धामधनी के, बिछा धाम के चरणों में छत्रसाल ने कि पाग पर जब श्री जी के चरण कमल पड़ेगे ठीक है श्री जी के चरण कमल पड़ेगे तो श्री जी के चरण कमल की मिट्टी किस पर गिरेगी पाग पर यह पाग फिर छत्र साल कहाँ सिर पर रखेंगे ने तो श्री जी की चरण धूलि किस पर गई तो अंदर जागृत बुद्धि नीच बुद्धि और जो भी धामधनी के अंदर की खूबियाँ निधियाँ थी किसके अंदर चली गया, चला गया छत्र साल के अंदर कितना ऊंचा गहरा सोचा है कि पाग पर जब क्योंकि ये चरण कमल के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी तपश्चर्या कि उसकी चरण धुली के लिए अरे ब्रज में कृष्ण के आने के आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी गर्भ में जब देवकी के थे ना कृष्ण जी तब भी स्तुति करते थे ठीक है भले बाहर आने के बाद नहीं पहचाना वैसे शिव जी भी हजारों साल से ध्यान लगाकर बैठे है वैसे विष्णु भगवान भी तो यहाँ चरण धुलि के लिए जो तड़प रहे संसार के लोग ये धुली किसने मानी छत्र साल कि ये दूली मेरे धाम धनी के चरण कमल और इतने कोमल चरण कमल इतनी सुगंधी से भरे चरण कमल इतना नूरमय और प्रकाशमय चरण कमल इतना नहीं उसके अंदर परम धाम के कितने अनंत गुण भरे हुए हैं, ये चरण कमल ये चरण कमल जब परम धाम की धरती पे धाम धनी कैसे कदम बढ़ाते थे कैसे लीला में चलते थे ये चरण कमल के आ, दुली के लिए आज ऋषि मुनि पैगंबर और कई संसार के संत मनीषी जन तो योगेश्वर कई तप करते करते थक गए लेकिन दिशा भी नहीं पाए यही चरण कमल आज मेरे घर में पड़े और हम गाते ना वही भोग में जीवन आ ये श्री राज महाराज भवन में जेवन आ ए श्री रज महाराज भवन में दीन दयाल अचल सुखदायक दीन दयाल अचल सुखदायक रम सृष्टि राज भवन मे नाम महामति आये पद्माावती नाम श्री श्रीमति आये पद्माावती सखिया जगा जगावन काज महाराज भवन में उसके बाद की चरण ले सिर पाग पावड़ो की न हो ले सिर पाग पावड़ो की न हो छकी रहे सकल समाज महाराज भवन में छकी रहे महाराज भवन में क्या बताया ले सिर पाग पावड़ो किन्नो और जो पूरे दरबारी लोग छकी मतलब आश्चर्य तो हुआ कि अरे हमारे छत्रसाल और राज दरबार के ऐसे राजा ऐसे महात्मा के चरणों में पाक बिछा रहे और बताया कि छकी रहे सकल और आगे भी बताया तन मान धन लेन्यो छावर कीनो नो तन धन लेन्यो छो लो की कलो पानो लाज महाराज भवन में लोकी कलो पानो लाज महाराज भवन तन मान धन और सब कुछ न्यौछावर कर दिया छत्रसाल ने सुंदर सा जी हम भी सेवा करने में झिझकते ना कई बार कई बार ऐसा लगता कि नहीं आज तो इच्छा है कि पाँच हजार इक्यावन हज़ार या एक लाख की सेवा करनी है बहुत टाइम से इसी दिल में बात उठ रही है लेकिन जब टाइम आता ना तब अंदर से फिर झिझकते नहीं नहीं अभी ऐसा कर ग्यारह हजार दे दे ठीक है फिर जेब में हाथ भी डालते फिर ज्यादा आ जाते तो फिर सोचते नहीं नहीं ग्यारह हजार बाद में लिखाएंगे वैसे तो प्रसंग समय या तो आते ही रहते हैं तो हम बाद में लिखाएंगे छत्र साल की कुर्बानी देखकर क्या समझना है सुंदर साहद जी छत्र साल क्या क्या कुर्बान किया अपना तन तो धनी के चरणों में छोड़ दिया रख दिया समर्पण कर दिया तन उसके बाद मन से पूर्ण पहचान करके बस धनी आप जानो तो राजी रखो और जानो तो दलगीर जैसे आप रखो हम तो आत हुक्म के हक के आत हुक्म ये तुम्हारा पिया जी क्या चले जो जानो त्यो करो खसम धामधनी बस आज से मेरा सिर भी आपके चरणों में मैंने रख दिया जैसे आपको रखना है मेरे को सुखी रखना या दुखी मेरा कुछ बस नहीं चलेगा बस आप जैसे रखोगे वैसे ही मैं इस संसार में रहूंगा आज से मेरा कोई भी विचार उठेगा मन में एक भी विचार उठेगा नहीं ये भी आपकी कृपा से उठेगा ये भी आपकी हुक्म से उठेगा मेरा अपना कुछ मैं सोचूंगा नहीं वैसे सुंदर सा तान मन जीव जीव दे दिया अपना जीव तो जीवन के आधार है ने जीव के बिना कोई रह सकता क्या मान लो बॉडी है मेरा बॉडी से अंदर एक बार जीव निकल जाए तो थोड़ी देर के बाद में मतलब डेड गिनी जाऊंगी ना मतलब उस अंदर कुछ बचेगा जीव देना मतलब समझ में आया अपनी अंतस्करण अपनी इंद्रिया और उस जो जीव के दिल है ना जीव के अंदर अब अभी सब कुछ जो अंदर से एक बात उठ रही है ने, जो भी कुछ है ये सब कुछ दाम धनी की कृपा से अपना कुछ रहा नहीं और इतना नहीं तन मन जीव और धन मैंने अभी बोला ने कि धन इस संसार में क्या हमारा कुछ है मैंने कल भी बताया था कि बॉडी भी हमारा ये पिंजरे से जब पक्षी उड़ जाएगा ये पिंजरा है ठीक है इसमें से पक्षी उड़ जाएगा पंख तो आएगी ठीक है पंख आएगी तब पक्षी तो उड़ जाएगा उड़ने के बाद उसकी कोई मूल्य रहेगी रहेगी घर के परिवार के लोग जो भी स्वार्थ से बंधे हैं वो लोग बहुत तो गली तक हमको छोड़ेंगे आदमी लोग बहुत तो शमशान तक आएंगे ठीक है ये संसार से जितनी भी चीजें इस शरीर से संबंधित बंधी है उसमें से कुछ भी हमारा नहीं है सब कुछ धाम धनी के हुक्म से सब कुछ धाम धनी की कृपा से यह चल रहा है धन की तीन गति होती है का तो तुम दान करो का उसका भोग करो ये जो दोनों नहीं करोगे ना तो अंतिम विनाश तो समझ में आया का तुम दान करो का उसका भोग दान मतलब एक देवत्व का परिचायक है और भोग में जब डूबेंगे जैसे एक मान लो शरीर मिला है ये शरीर को भोगों में लिप्त कर दो तो वैसे भी अर्थ चला जाएगा ये शरीर को धनी की ओर लगा दो ठीक है तो क्या होगा इस संसार में जो करने के लिए आए तो हम करके गए ने पा लिया ना धनी को यही शरीर को जब भोगों में लगाएंगे तो ये संसार की कोई चीज़ों से कोई अभी भी तृप्त तो हुआ है क्या हुआ है क्या यहाँ के बहुत बड़े बड़े धनवान हैं है? पैस रिच लोग हैं उसको पूछो कि तुम्हारे घर पे कितनी भी गाड़ियाँ या बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बन जाए उसको पूछो कि तुमको संतोष है क्या नहीं है इसलिए तो रोहिंद दास ने उसके पद में बोला मान लो धीरू भाई को लो मुकेश और अनिल अंबानी ने दोनों लड़के ठीक है इतनी धन संपत्ति अपनी करोड़ों अब्जो रुपये की मालिक के मतलब इससे बड़ी बड़ी रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, लेकिन रोज जगड़ते हैं ना उसको भी संतोष पिता तो देके गए धीरू भाई तो ठीक है मैं समझाना यही चाहती हूँ कि कभी भी धन संपत्ति से संतोष मिलने वाला नहीं है मैं कहना ये जा रही कहने ये जा रही थी सुन्दरसाद जी कि रहीम दास जी ने अपने पद में लिखा है कि गौधन गाजी धन गौधन गाजी धन रतन धन आवे माही जब लग संतोष धन ना आवे तब लग सब धन धूल समान क्या बताया तुम्हारे घर गौधन मतलब गायों के पूरे गौशाला बन जाए बहुत हजारों सी गाय लाखों गाय आ जाए या गाजी धन या मतलब हाथियों के झुंड के झुंड या रत्न से पूरी पृथ्वी सुंदरसाज जी तुम्हारी हो जाए या कोई भी राजमहल तुमको तुम्हारे नाम पर कर दे पूरी पृथ्वी हीरा रत्नों से जड़ित कर कर तुम्हारे नाम पर कर दे लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर संतोष नहीं आएगा तो सब धन क्या बोला रहीम दास जी ने संतोष संतोष नहीं आएगा तो सब धन धूल समान है यही बात तो यमाचार्य ने नचिकेता को लालच दी थी क्या दी थी कि यमाचार्य ने नचिकेता को बोला कि हे नचिकेता तुमको पत्नी मतलब पुत्र रत्नों से सुख देऊ या कोई धन संपत्ति या राज दरबार दे दूं तब तो यमाचार्य को नचिकेता ने इतना ही बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए समझ में आया यही बात मैत्रीय याग्निवल्की क्यों यही बात करते जब ये ध्यान के लिए योग साधना के लिए निकल रहे तब तो मैत्रियों को पता लगा कि इतना बड़ा राज दरबार छोड़ के याग्निवल के निकल रहे तो मेरे को इतना तो पता है कि भाई इससे अच्छा मतलब इससे ज़्यादा और कोई अवलौकिक सुख तो ये घर से ज्यादा तो जंगल में है भले छोटी सी कुटीर है लेकिन ये जंगल में कोई अवलौकिक सुख मिलेगा ये घर में सुख नहीं है ये मैत्रिय ने जान लिया था तो यहाँ सुंदर साजी धाम धनी बता रहे कि भाई संसार के अंदर जो हमारे पास जितनी भी धन संपत्ति है जैसे छत्रसाल ने न्योछावर किया आगे हमने देखा राजा राम भाई ने किया जानजन भाई ने किया अबासी बंदर में गोर्धन भाई आए थे ने तो उसने भी न्योछावर किया वैसे हमने रास्ते में देखा कई कई सुंदर साथ अपनी धन संपत्ति के साथ न्योछावर होते थे तो यहाँ भी छत्तर साल ने जो कुर्बानी की अपना सब कुछ नियोछावर किया यहाँ बताया कि दान की तीन गति है का तो दान बलिराजा को देखो आज संसार याद कर रहा है ना बलि राजा को सुंदर शाह जी आज मेरे को सुबह को एक विचार आया कि बलिराजा टाइम पे ये वाणी होती ने तो कदाचित अमान हमसे पहले बली राजा मूल मिलाव में होते हैं ठीक है थीके? हम दावा लेके आए लेकिन बली राजा का सुन के भी जो हमारे अंदर वो पहचान न हो तो बलिराजा मैं कई बार कहती हूँ कि जैसे नरसिंह मेहता मीराबाई हैं वैसे सब ने प्रेम के लिए कितनी वो की उस टाइम पे उसको वाणी मिल गई होती तो हमसे पहले वो परमा धाम में दिव्य मूल मिला में होते आज हमने वहाँ का दावा तो लिया लेकिन हमारा समर्पण हमारी कुर्बानी हमारा अंदर का जो भी गुण होना चाहिए आज हम संसार के ये महापुरुषों की बराबरी करेंगे ने तो हम कुछ है नहीं यहाँ छत्र साल ने जो ये सेवा के लिए जो तत्पर हुए हैं यहाँ इस संसार में छत श्री जी बोलेगे आगे क्या कहेंगे कि छत्ता इस संसार में तो बहुत गुरु शिष्य की परंपरा चली उसमें गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य है वैसे रामदास के शिवाजी ठीक है रामदास के शिवाजी बस एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य वैसे राम के भक्त हनुमान वैसे इस संसार में बहुत गुरु शिष्य की परंपरा लेकिन तूने जो पहचान की है या बताया कि ब्रह्म मुनियों जो पहचान करेगा ना इस संसार में उस बराबरी की पहचान इस संसार में कोई नहीं कर पाएगा ये पहचान छत्र साल ने की है और आगे उसने सिंहासन पर बैठाया और आरती उतारी आप रोज धुब्बती या दिया जलाते न तब उस टाइम पे बोलते ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार प्यारे आनंद अखंड पार शिवसन का दिक चित शिवसन का दिक के इच्छित से सन पावत पा अगम जानी के निगम कहाँ आर जानी के मूलधन अंगना पानी जानी के मूलधन पानी सो घर आए हमार श्री ठकुर सखियान सुधावा ओले कर संग पदा वालो ले कर संग पधार त्रिगुण फ फा, सके केके परे दानी त्रिगुण फ सके पन्द परे हे धनि सोफा दानि रवा वारि वारिजा उमे पिया पर शोभा नया वे हारे वाला शोभा मुख स नया सिंह सनया सन बेठारू सिहा सनया सना पधराऊ सी छत्र सा गुण गा श्री महारा जा गुण गा प्रणदास सुंदर जी छत्रसाल जी पहचान करा रहे कि हे चाचा बलदीवान काका को भी मान नहीं आया था और दरबारियों को भी नहीं ईमान आया था या पहचान करा रहे कि मेरे घर पे कौन आए है पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे ये कोई नारायण तक के अंदर या चौबीस अवतार या देवी देवता नहीं है ये नारायण नहीं है नारायण से पड़े ब्रह्म अक्षर ब्रह्म भी नहीं है ब्रह्म से भी न्यारे पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पा रहे वैसे वो ऐसा अकेले नहीं आए अपने दिल में परम धाम के अनंत आनंद अनंत प्रेम अनंत सुख लेकर आए परम धाम कैसा है सत चिद और आनंद ऐसा नहीं वहाँ अनंत आनंद के सागर है अनंत प्रेम के सागर है वहाँ अनंत मेहर के सागर है तो सब खूबिया आठे सागरों की विशेषता और वहाँ के सब कुछ सुख लेकर मेरे घर पे आनंद अखंड अपारे अखंड आनद, के आनंद अपरंपार लेके आए उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी कोई गिनती नहीं होती उसको नाप माप कुछ नहीं होता उसको तुला में कोई तोल भी नहीं सकते ऐसे आनंद अखंड शिव सनकादि आदि आदि के इच्छित क्या बताया यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश उसका लेस मात्र भी इतना भी थोड़ा कुछ भी पार नहीं पामे उसने क्या बोल दिया अगम जानी के निगम कहावे खोजी खो खोज खोज के वो थक गए वो हार गए शून्य में लीन हो गए चाहे यहाँ सृष्टि के प्रारंभ से कोई ऋषि मुनि हो या इसके बाद कोई जन हो या जो भी योगेश्वर इस संसार में आए या कोई धर्मों के धर्म ज्ञाता आए इस संसार में बहुत से आए सब ने खोज की लेकिन उसका एक थोड़ा कुछ भी वो नहीं पाए किरंतन ग्रंथ में बताया ने विद में सिंध समाया उसमें भी वेद अगम कहे उलटे पीछे वेद अगम कहे उलटे पीछे नेता नेता कर गाया क्या बताया वेदों के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषदों ने भी नेति नेति कह के भाई आगे कुछ है लेकिन सुधी नहीं पड़ रही है वो भी पीछे लौट गए वेदों का मूल स्थान कहाँ है अव्याकृत ब्रह्म में मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म में लेकिन वेद पीछे आ गए मतलब वहाँ से यहाँ आ गए वापस लौट गए तो वेद को मानने वाले वेद का अध्ययन करने वाले वेद को पढ़ने वाले लोग कैसे जान पाएंगे अगम जानी के निगम कहावे खोजी खोजी जानी के मूल धनी अंगना छत्रसाल ने क्या तो आज हम भी बोलेंगे कि ये धाम धनी हमको लेने के लिए यहां आए हैं। तभी छत्रसाल ने बोला आज से सवा तीन सौ साल पहले के जानी के मूल धनी मेरे को मूल निस्बत के कारण मूल संबंध के कारण मेरे को उसकी अंगना मानकर ये धाम धनी मेरे को लेने के लिए इतना पंथ काट कर नंगे जंगल जंगल, वन वन, नगर नगर, दगर दगर आज घूमते घूमते भ्रमण करते करते मेरे को लेने के लिए यहाँ आए फिर अकेले नहीं आए सखिए न सुधा वालो लेकर संग अकेले नहीं आए वो सब सखियों के समूह में कारवा पूरा चला है इतना ही नहीं धामधनी के साथ बाजूराज जी को किस स्वरूप में देखा श्यामा जी के स्वरूप में सब यहाँ मेरे घर पे आए तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है ठीक है इतने आनंदित इतने आनंदित सखिए न सुधा वालो लेकर संग त्रिगुण फांस के फंद परे कल भी मैंने बताया था कि पूरी सृष्टि नारायण तक की जितनी बनी है चौदह तो ये सब त्रिगुणात्मक है कैसी है सतो रजो और तमो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही त्रिगुणात्मक है लेकिन मोह सागर से नारायण के संकल्प से जितनी भी ये सृष्टि बनी सबके अंदर तीन गुण है तो त्रिगुण के फंद पर हम सब ये त्रिगुण के बंधन में फंसे हुए थे बंधे हुए थे उस फंदे से मेरे को निकाला उस संसारी की चड़ से मेरे को निकालने के लिए धाम आए मेरे को तो लगी नहीं थी उसको मेरी लगी थी तो वो मेरे लेने को लिए मेरे को लेने के लिए यहाँ आए हैं। कितना दर्द व्यक्त कर रहे त्रिगुण फांस के फंद परे धनी सो फंदा वारी वारी जाऊ में अपने पिया पर धामधनी बार, बार बलिहारी जाती हूं साकुंडल क्या कह रही है धामधनी बलिहारी जाती हूं मैं बार बार आप पर न्योछावर हो जाती हूं मैं बार बार आप पर कुर्बान हो जाती हूँ वारी <coughs> वारी जाओ मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नहाए सिंहासन आसन बैठासी छत्र साल ये छत्र साल के नाम पर पद बैठे छत्र साल गुण गावे सा गुण गा रही है अपने धनी के तो आज किसको गुण गाना चाहिए हम सबको ठीक है कि आज हमारे घर पे भी धाम धनी कोई भी माध्यम से यही गुण तो गा रहे यही तो पहचान करवा रहे तो यहाँ आरती भी उतारी और पहचान भी की सत श्री जी को श्री जी ने फिर आगे सुंदर जी क्या लीला होती है ये हम अभी हमारे पास पंद्रह मिनट है तो और हम आगे अभी मैंने बताया कि बलदीवान काका मतलब बलदीवान चाचा उसके चाचा पढ़ते थे कौन बलदीवान तो बलदीवान चाचा को पूरा ईमान नहीं आया था पूरी पहचान तो उसने सोचा कि भाई छत्ता मेरे भतीजे छत्रसाल साल ईमान तो लाया ठीक है मैं वो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है ए मैं मैं कैसे मैं मानूँ हम एक बार शास्त्रार्थ करवाए क्या करें हम शास्त्रार्थ करवाए तो उसने जो मोहब्बे के अब्दुल रसूल जो काजी है बहुत बड़े तो वहाँ के मोहब्बे के अब्दुल रसूल काजी को बुलवाया और इतना नहीं और सुंदर वल्लभ बद्री जो ब्राह्मण पंडित लोगों को भी बुलाया तो पहले मोहब्बे के जो रसूल है रसूल काजी है उसको बुलाया जो बहुत बड़े मशहूर थे फेमस थे उसके अपने कई लोगों को ये कुरान की ये हदीसों की तालीम देते थे वैसे एक आरबी खा के नाम से भी वो जाना जाते थे वो ऐसे अब्दुल रसूल को बुलाया गया वहाँ और वहाँ उस काम को लालदासी को सौंपा गया किसको सौंपा गया ये मोर्चा लालदासी सी में यह सेवा हाथ में ली और लालदासी के सामने अब्दुल रसूल को बिठाया अभी छत्रसाल नहीं बैठेंगे छत्रसाल सुंदर वल्लभ बद्री के साथ बैठेंगे यहाँ लालदासी ने पूरी सेवा संभाली लालदासी ने बोला कि हे काजी साहेब प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि कुरान में कितनी पैदाइश लिखी है तब काजी साहब बोले अरे भाई तुम मेरे पढ़े लिखे लोगों को तू पूछ रहे तू तो जैसे एक अनजान की तरह जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है ऐसे तुम पूछ रहे हो अरे भाई मैं तो बहुत से लोगों को कुरान की तालीम दे दी है मेरे से कुछ भी अनजान नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ किसने बोला काजी ने अब्दुल रसूल तब यहाँ लालदासी ने बोला इसलिए तो मेरे को आपसे डर लगता है और आपके ज्ञान से भी डर लगता है तो आप ऐसा करो ने हे काजी साहब मेरे को बताइए कि कितने जात की पैदाइश कुरान में लिखी है तब तो काजी साहब ने बोला कि कुरान में पांच जात की पैदाइश लिखी है कितने तब तो लालदास जी बोले ठीक है तुम्हारा बात तो सही है तुम्हारा उत्तर तो सही है आगे कुरान धरा यहाँ आगे रखा रेवल पे और बताया लालदासी ने बोला कि भाई बताइए कितने नंबर के सिपारे में ये पांच जात की पैदाइश लिखी है तब तो काज, काजी काजी रसूल की आंख भी बंद हो गई उसके पास कोई जवाब नहीं था वो खोलने लगे कोई दूसरा दुस, निकाला कोई पांचवा निकाला कोई छठा कोई सातवा कोई बारहवा पंद्रवा निकाला लेकिन उसको पता नहीं लगा और आगे लालदा सी ने बोला कि हे रसूल साहेब अब्दुल रसूल साहेब एस, तुम ऐस तुम ऐसा करो पांच जात की पैदाइश लिखी है तिलकर रसूल नाम के सिपारे जो तीसरा नंबर का सिपारा है कुरान का तीसरे नंबर के सिपारे तिलकर रसूल नाम के सिपारे में ये पांच जात की पैदाइश लिखी आप खोलिए जब लालदासी ने बोला तब उसने ये तीसरे नंबर के सिपारे को खोला खोलने के बाद लालदासी ने बोला कि भाई एक पांच जात की पैदाइश में तुम किस जात की पैदाइश में तुम हो फिर तो और गहरे प्रश्न पूछ दिए वो तो अंदर पानी पानी हो गए क्या हुआ अंदर शर्म के मारे सिर झुक गए और पानी पानी हो गए बोला कि एक हाथ से एक है। लालदासी ने फिर बताया कि तुम बताओ तुम किस जात की पैदाइश में हो तो उससे जवाब नहीं आया और जवाब तो नहीं आया उसने सीर बोला कि भाई नहीं आखिर जमाना के खाविन यही श्रीजी है यही हमारे आदि है लेकिन वहाँ बल दीवान चाचा खड़े है तो उसको अभी विश्वास नहीं है उसने क्या बोला भाई तुम कुरान को सिर पर रखो और सौगंध खाओ तो मैं मानूंगा क्योंकि तुम छतर साल को अच्छा लगे ठीक लगे उस बहाने तो तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो ने मतलब अच्छा अच्छा ठीक ठीक सब बोल रहे हो तो अ, काजी अब्दुल रसूल ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं सौगंध खाकर सिर पर कुरान रख के सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि नहीं आखिर जमाने के खाविन इमाम मंदी साहिबमा ये हादी है तब जा के लालसी ने बताया तीसरे नंबर के सिपारे अब जो तिलकर रसूल नाम के सिपारे में बताया कि उसमें पांच जात की पैदाई से इसमें एक एक हाथ से एक एक हाथ से दो एक हाथ से एक हाथ से दो एक अवल से इब्दाए से एक खिलकत से एक हो जाकुन से हो गई पांच एक एक हाथ से एक हुआ एक एक हाथ से दो तो दो हुआ एक अवल से इब्तदाय से पहले से तीन एक खिलकत से चार एक कोजाकुन कु पाँच हो गई तो एक एक आद से मतलब पहले कौन आए मोहम्मद साहेब ठीक है फिर एक आद से दो तो सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने मिहराज ठाकुर ठीक है तो दो तो दो हो गई फिर एक इब्ताय से मतलब मूल से अनाधिकार से कौन थी हम सब तुम्हारे परम धाम में सुंदर साथ और दूसरी चौथा नंबर की खिलकत से तो धाम से ईश्वरी सृष्टि एक जीव सृष्टि ओझा कुन तो नारायण के कहने पर क्या हुआ हो जा कुन, तो सब जो जीव सृष्टि उत्पन्न हो गई तो एक आज से एक एक आज से दो एक इब्तदाए से एक खिलकत से और एक ओर और जा कुन से तो ये पांच जात की पैदाइश लालदासी ने बताई तब उसने चरणों में झुककर दंडवत प्रणाम किया और सौगंध भी खा लिया फिर बलदीवान काका को संशय हुआ कि नहीं अभी हम पंडित लोगों को बुलाए कदाचित सुंदर वल्लभ बद्री पंडितों के बिना अभी स्पष्ट निर्णय नहीं होगा ठीक है चलो कते परंपरा की ओर से तो उसने ये जवाब दे दिया चलो वेद पक्ष की ओर भी हम स्पष्ट निर्णय करें तो फिर सुंदर वल्लभ बद्री में से किसको चुना गया बद्री को किसको चुना गया बद्री को और बद्री को सामने बैठाया यहां मोर्चा किसने संभाला यहां छत्रसाल ने किसने संभाला छत्र साल ने संभाला छत्र साल ने जब यह मोर्चा संभाला और बोले के जो भागवत के कुछ प्रश्न थे और परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के संबंधित प्रश्न थे यहाँ बद्री को बिठाया छत्रसाल ने पूछा कि भाई उसमें से मेरे को उसका जवाब दे दीजिए परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला और कई भागवत के संबंधित भी प्रश्न वहाँ खोल के रखे तब बद्री ने बोला कि भाई ये तो कृष्ण परमात्मा के सिवाय मतलब उसमें भी परमात्मा की आवेश शक्ति आई थी न ये तो परमात्मा के सिवाय उसका जवाब कोई नहीं दे सकेगे तो यहाँ छत्रसाल ने बोला कि बहुत अच्छा रहा बहुत ठीक हुआ वाह बद्री तुमने साफ साफ कह दिया तेरे अंदर जो बात थी वो बाहर तुम लाए बहुत अच्छा किया लेकिन बद्री जब यहाँ से बाहर गए कि भाई मैं एक बार नहीं कई बार हार चुका हूँ मेरे से जवाब नहीं आएगा ये जवाब तो परमात्मा का जो बंदा होगा वही जवाब दे पाएगा तब वो घर पे गए तब वहां सुंदर और वल्लभ और पंडित लोगों ने बोला कि बद्री क्या जीत कर आए या हार कर आए क्या पूछा तू जीत कर आए या हार कर आए तब बद्री ने तो साफ साफ जो हुआ था वो बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ मैंने बोला ये जवाब परमात्मा के सिवा कोई दे नहीं सकते तो बोले कि बद्री तू मर क्यों नहीं गया क्या बोले तू जीवित क्यों वापस लौटा तू वहां मर क्यों नहीं गया हमारी शर्म हमारी मर्यादा ही क्या रही और हमारे पंडित लोगों के बीच में जो हमारी इज्जत थी तो तू मां से क्यों पराजित होके आया फिर बोले कि नहीं नहीं अभी एक बार और शास्त्रार्थ करने के लिए जाओ तो रात को पंडित लोगों ने ऐसे उल्टे सुलटे बहुत से प्रश्न तैयार किए और बद्री को दिया कि जाओ बद्री एक बार और शास्त्रार्थ करो तो फिर यहाँ आए सुंदर सा जी ये लोगों ये बातों से कितन इतना ही जानना है कि किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए तो बार बार बताया कि नारायण से सब वापस लौट गए सब ने बातें तो की लेकिन नारायण के अंदर की कोई आगे जा नहीं पाया यहाँ क्या बता रहे हैं देखो ऐसे ऐसे सुंदर वल्लभ बद्री बहुत महान पंडित थे इसलिए तो बताया कि सुंदर वल्लभ बदली बद्री तुम मिले कलयुग के माँ हैं चौदह विद्या में निपुण हो लेकिन एक को जानत ना है बोलिए सिण न क्या बताया कि सुंदर वल्लभ बद्री, तुम मिले कलयुग के माँ है, है? चौदह विद्या में निपुण हो लेकिन एक को जानत ठीक है तुम चौदह विद्या में तो प्रवीण हो निपुण हो विद्वान हो लेकिन एक परमात्मा को तुमने अभी तक जाना नहीं है तो यहां आगे और भी बात बताई कि फिर ये प्रश्न तैयार कर जो पंडित लोगों ने रात्रे उल्टे सुलटे जो प्रश्न तैयार किए थे वो लेके फिर आए फिर छत्रसाल ने बोला कि बद्री तू रात को तो अभी गए फिर ये बोल के गए कि भाई हमसे ये जवाब न हो और आज फिर और दूसरा प्रश्न तू लेके आए ऐसी नाटकबाजी ऐसी चाल क्यों खेल रहे हो तुम ठीक है चल वो लेके आए छत्रसाल ने ही जवाब दे दिया वहाँ श्री जी की जरूरत पड़ी नहीं छत्रसाल ने सीधे साफ साफ उसके सामने स्पष्ट जवाब दे दिए तो ये जवाब लेके बद्री भी उसके चरणों में झुक गए बद्री भी उसके चरणों में झुक गए उसने बोला कि भाई हमसे ये जवाब नहीं आएंगे हमारे अंदर हमने बहुत बुद्धि की डोट लगाई लेकिन ये जवाब नहीं मिल पाए उसके बाद छत्रसाल ने सोचा कि हमारे कोई भी मांगलिक प्रसंग में घर में जो पंडित लोगों को बुलाते थे और उसको सिरो पाँव पहनाया जाता था उसको एक सम्मानित किया जाता था अभी हम करेंगे नहीं तो ये पंडित लोगों का मैं तीन दिन से सुनते आ रहे हैं वहाँ भी पंडित लोगों ने क्या लीला की थी हमने देखा ना आगे के प्रसंगों में भी तो ये पंडित लोग किसके है भृगु ब्रह्मा जी के वंशज है ये लोग कर्मकांडी याग्निक ब्राह्मण लोग किसी को बाहर आने नहीं देंगे तो हम इ, इस बातों से इतना ही ले कि पंडित लोग के पास हम जाते हैं कई बार मुहूर्त दिखाने के लिए जाते हैं न सुन्दरसाद जी तो यहाँ स्वयं धनी आ जाए जिसकी कृपा से ये ग्रह नक्षत्र बने ठीक है जिसकी कृपा से सूर्य चंद्र तारे बने जिसकी कृपा से ब्रह्मांड बने और ब्राह्मण लोग तो, तो अपना नहीं देख लेते क्या अपने पहले ठीक ठाक नहीं कर लेते अपने घर में कभी भी दुख आते भी नहीं और हम लोग कोई शादी प्रसंग या कोई भी मांगलिक प्रसंग में हम वहाँ जाते हैं यहाँ आगे और बताया कि उसके बाद एक घटनाक्रम को और ले ले श्री जी ने सोचा एक दिन कि चलो ये सब छत्रसाल और साथ और श्री जी बन्ना से थोड़े बाहर गए और बाहर जाके थोड़ी एक एक एकांत जगिया जंगल वन में धर्म यहाँ हो रही है कुछ धाम की कुछ चर्चा हो रही है और धर्म चर्चा के बाद श्री जी ने सोचा कि चलो आज तभी दशहरा का दिन था क्या था तभी दशहरा का दिन था तो उसने सोचा आज का जो खेजड़ा मंदिर है मैं एक एक बात बताती जाऊंगी जो आज का खेजड़ा मंदिर है तो वहाँ पूरे तभी जंगल थे तो वहाँ गए और उसने बोला कि भाई आज के दिन रावण के पुतले को दहन किया था न तो वो आता ही जब मरे थे तो आज में आज के दिन मैं आपको पान का बीड़ा और तलवार देता हूँ तो उस तलवार से बार बार क्योंकि अफगान बार बार सैन्य को लेकर बार बार मऊ पन्ना पर और सहानिया पर चढ़ाई करते रहते थे तो श्री जी ने एक दिन सोचा कि नहीं चलो आज मैं उसको एक गिफ्ट करूँ मतलब एक आशीर्वाद के रूप में तलवार और पान का बिड़ा दूँ और ये भी बोला कि हे छत्रसाल मैं आपको ये तलवार जो दे रहा हूँ जुल्फी नाम की ये तलवार से आपको लड़ना नहीं है ये उसके सामने युद्ध में आपको तलवार से नहीं लड़ना है क्या करना है जैसे मोहम्मद साहब ने तभी जुल्फी तलवार दी थी नहीं वैसी तरह यहाँ भी एक तलवार दी क्या करना बस आपको युद्ध में खड़े रह जाना आपकी तलवार से इतना प्रकाश निकलेगा और आपके जो विरोधी लोग लड़ने के लिए सामने आए हैं और प्रकाश निकलेगा इतना फैलेगा पूरे युद्ध में और आमने सामने ये लोग ये मानेंगे कि छत्रसाल छत्र साल के ही सैन्य के आदमी हैं तो वो लोग आपस में ही अंदर अंदर मर जाएंगे तो आपको बस इतना ही करना है ये ये भी लीलावा घटित होती है और उसके बाद श्री जी देखते हैं कि भाई बाहर बाहर ये अफगान के सैन्य घेरते हैं और छत्र साल के पास इतना सामर्थ्य नहीं है इतनी धन संपत्ति नहीं है जैसे एक एक बार फिर चढ़ाई हुई अफगान के सैन्य आठ हजार सैनिकों को लेकर आए उसमें पाँच हजार पैदल और तीन हजार सवारों को लेकर आए और छत्र साल के पास सिर्फ एक हज़ार का ही सैन्य था तो फिर श्री जी ने सोचा कि चलो मैं ऐसे करूँ आज छत्र साल को बुलाओ और छत्र साल को बुला के मैं उसको बोलूं कि छत्रसाल आज तू भले भाई नाम का तू घोड़ा लेकर आ और घोड़े को श्री जी ने आशीर्वाद छत्रसाल को दिया कि हे छत्रसाल ये घोड़े को लेकर तुम सूर्य उदय होने के बाद निकलना वो सूर्यास्त हो तब तक ये घोड़े को जितनी जगह तू घुमाएगा वो जगह जगह पर हीरे निकलेंगे ये भी श्री जी आशीर्वाद देते हैं हम बोलते हैं न जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फते छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो जित जित घोड़ा पग धरे तित, तित फते हो तो जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरेंगे जहाँ जहाँ कदम रखेंगे सूर्यास्त समय तक उतनी पूरी धरती हीरा निकलेगी ठीक है तो ये तो ठीक है जाहिर ही आशीर्वाद है हम बातुनी में देखें तो छत्रसाल ने अपना पूरा राज दरबार तन मन धन से सब न्योछावर कर दिए तो श्री जी ने और की हीरे मतलब परमधाम की धन संपत्ति उसके नाम पर कर दी वो तो जाहरी हीरा तो है लेकिन छत्रसाल साल को विचार आया कि श्री जी के आशीर्वाद से दिया हुआ ये तो हीरा है या पूरी धरती हीरे से भरी हुई है और हीरा उसमें से निकलेगा लेकिन मेरी तो कोई सेवा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? चलो मैं ऐसा करूं मेरी भी एक सेवा हो जाए तो एक दिन उसने क्या किया एक दिन वो कोप भवन में जो रुठ गए वो एक दिन उसने विचार आया कि तीन साल हो गए जिसकी मैं अतीत के स्वरूप में पहचान की है आज मेरे घर पे आए हुए तीन साल हो गए सत्रह में पहुंचे से पहुँचे थे वो सत्रह का 43 थ्री 1943 का समय आ गया तो बोले कि अभी तक मैंने नहीं पहचान की है चलो आज तो मैं उठ कर अपने को भुवन में बैठ जाऊंगा एकांत जगह में तो वहाँ को भुवन में रुठ कर बैठ गए दोपहर हुआ वहाँ रानी साहिबा भी उठाने के लिए अपनी सामर्थ्य नहीं रखती है फिर उसने बलदीवान चाचा को बुलाया कि भाई <coughs> तुम आओ और उसको उठाओ आज सुबह से अंदर एक कमरे में कक्ष में अंदर बंद है तो तुम उठाओ उसको तो बलदीवान चाचा आए वो अंदर गए उसको बोला कि छत्ता आज तू क्यों ऐसी लीला कर रहे है आज तू क्यों ऐसे उठ एकांत ऐसे कोप भुवन में बैठ गए तब और भी आगे बलदीवान चाचा ने बोला कि छत्ता मेरे भाई बड़े भाई चंपत राय जब से ही संसार से गए उसके बाद मैंने कभी भी तेरे मुख को ऐसा नहीं देखा है ऐसा रोया हुआ क्योंकि टपक टपक आंसू भी गिर रहे मैंने कभी भी तेरे मुखारविन को मुरझाया हुआ नहीं देखा है मेरे भाई को जाने के बाद आज मैंने पहली बार तेरे मुख को ऐसे देखा तो मैं सहन नहीं कर पाता तेरे दिल की बात जो भी हो मेरे को बता दीजिए तब छत्रसाल ने बोला कि चाचा आज तीन साल हुए मेरे दरबार में आज सबको यही थोड़ी संशय रहते थे ना राजदरबारी में बलदीवान चाचा को छत्रसाल ने बताया कि सबके दिल में ये संशय रहते थे कि भाई उसके पास कोई भुरकी है ऐसे कोई रसायन है या लोहे को पारसमणि से सोने बनाते हैं और ये जो पाँच हजार की जमात का जीवन निर्वाह का खर्चा चल रहा है तो तुमको ये संशय था न ये भ्रांति थी ने चलो आज मेरे को पता लगा तो चाचा ये कुछ उसके पास कोई रसायन के कोई भुरकी नहीं है तो तब वो जल्दी जल्दी से दौड़ कर श्री जी के पास गए और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने पश्चाताप के साथ अपने एक व्यथित हृदय से एक दर्द भरे स्वरों में बोले कि हे धाम के धनी मैंने आपकी क्या पहचान की तीन साल से मेरे दरबार में हो जो मैंने पहचान की होती तो, तो अभी तक ये जीवन निर्वाह के खर्च के बारे में मैं आपको पूछता तो ये जीवन निर्वाह के खर्च कहाँ से आ रहे हैं तभी उसने बोला कि जो मेरता को जो साथ है कौन है राजा राम भाई और जानजन भाई वहाँ से ये खर्च आ रहे तब यहाँ छतर साल ने बोला कि भाई ये खर्च तो मैं ही संभालूंगा पूरा इतना ही नहीं मैं वहाँ से राजा राम भाई और जानजन भाई को भी यहाँ बुला लूँ उसकी भी मैं सेवा करूँ अभी तक तो उसने आज नौ नौ दस दस सालों से वो संभाल रहे तो यहाँ से छत्रसाल पत्री लिखते हैं कि मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत तो यहाँ पत्री लिखते हैं और श्री जी के पास ये सेवा मांगते हैं और और बल्दीवान काका को बोलते हैं कि काका ऐसा करो मेरे को भी लिखित रूप में आप दे दो क्या तो यहाँ विचारते हैं कौन छत्रसाल जी कि नहीं हम ऐसा करें आपके आशीर्वाद से तो ये रत्न निपज रहे हीरा लेकिन इसमें मेरी तो कोई सेवा नहीं है छत्र साल बोले कि मैं ऐसा करूँ राठ खड़ोत जलालपुर कालपी और आगे चित्रकूट की ओर हम जाए और वहाँ के राजाओं और जागीरदारों को भी हम बोले कि भाई तो औरंगजेब बादशाह को कर टैक्स के रूप में ना दो हम ये प्रदेश को जीते और ये टैक्स और कर के रूप में हमको मिले उसमें से चौथे हिसे हम सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे तो बलदीवन चाचा ने बोला कि हाँ मेरे को मंजूर है तो यहाँ छतर साल को ईमान नहीं आया मतलब विश्वास नहीं उसने बोला कि मेरे को लिखित रूप में दे दीजिए कि भाई चौथे हिसे उसकी सेवा में लगाना है तो उसने लिखित रूप में भी दिया और राठ और जी को एक हाथी भी तैयार किए सवारी तैयार की सी जी को उस पर बैठाया और सब सुंदर साथ की जमात के साथ सैन्य के साथ छत्रसाल निकल पड़े राठ खड़ोद जलालपुर कालपी के वहाँ कई मुस्लिम लोगों के साथ बैठक हुई वहाँ मेजर नामे पर उसने लिख भी दिया कि आखिर जमाने के खाविन यही हादी यही इमाम मेहंदी साहिबू जमा है वहाँ बादशाह के पास वसीयत नामे भी मतलब पत्र भी पहुँचे बादशाह ने पढ़ा लेकिन अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा के मध्य में चूर बादशाह ने बात स्वीकारी नहीं और यहाँ चित्रकूट राजा को लगा जो वसंत सुर्खी को कि आज कितने सालों से उस दरबार में छत्र साल के कोई अक्षरातीत मतलब ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आई है तो उसका साम्राज्य भी बहुत समृद्ध हो गया है तो चलो मैं भी उसको लेकर चलूँ तो एक दिन चित्रकूट के राजा वसंत सुर्खी भी श्री जी को लेकर चित्रकूट में चले यहाँ राजा की रजा मांगी छत्रसाल की कि भाई मेरी की भी इच्छा है तभी छत्रसाल ने बोला कि मेरी मेरी सेवा खंडित तो हो जाएगी मतलब मेरा प्रेम कलंकित तो हो जाएगा वैसे मैं नहीं भेजता वह चित्रकूट के राजा वसंसुर की लेके तो गए लेकिन पूरी पहचान नहीं हो पाई थी वहाँ ले गए एक साल रखा लेकिन अपने से जुदा रखा हम भी राज्य को तो घर में पधरा थे लेकिन हमारा संबंध धामधनी के रूप में हम जोड़ा अभी समझ में आया एक साल रखा क्या बताया उस प्रसंग के माध्यम से कि हमारे साथ भी धामधनी तो बहुत सालों से घर में आए ये ज्ञान में इस स्वरूप में लेकिन हमने निस्वत जोड़ी क्या हमने ये पहचाना जैसे बस संत सुर्खी की हालत बनी फिर यहाँ से राजकुरे और रानियों को भेजा के जाओ मेरा प्रेम कलंकित ना हो तुम उसकी सेवा में लगो एक साल रहते हैं वहाँ बड़ा क्या मतनामा उतरते हैं बोलिए शिव प्राणनाथ क्या उतरते हैं <coughs> बड़ा नाम भी वहाँ उतरते हैं वो छत्रसाल साल के नाम पर ये श्री जी कर देते हैं और अंतिम आप छोपाई दोहराएगी मैंने पाँच मिनट इसलिए जिया डाली कि ये प्रकरण पूरा होने वाला था और आगे बताया कि कई लोग अपनी बुरी नज़र करके आते हैं लेकिन जहाँ अक्सरातीत की आवश्यकती काम कर रही हो वहां किसी का चलता नहीं यहां बताया के तब ओर छे के राजा ने लिया खटोलाएँ लगी फिटकार तीन को मौत हुआ तीन से ओर छे के राजा ने भी खटोला को अपना कर लिया तो उसको भी फिटकार लगी और आगे फिर मिट्ठू प्यार ज्यादा ने मिट्ठू पीर ज्यादा ने भी प्रहार करने के लिए बहुत से प्रयास किए लेकिन श्री जी का जब आशीर्वाद छत्रसाल को मिल गया तो च, एक बात मुख्य है छत्रसाल को श्री जी मिलने के बाद उसका आशीर्वाद मिलने के बाद दो सौ बावन लड़ाइया लड़ी कितनी दो सौ बावन लड़ाइया लड़ी उसमें बावन लड़ाइया प्रमुख थी ठीक है तो यहाँ बहुत से राजाओं ने बुरी नजर की लूटने के लिए युद्ध करने के लिए वो लोग आए लेकिन किसी का बस नहीं चला और यहाँ बता मारे चमारों ने और पुन जिन जिन करी तीन तीती पाई सजा ए काफर लिखे कुरान में यही लिखी ताले कजा जिन जिन लोगों ने बुरी नजर करी उसको ऐसी ही सजा मिली उसको कुरान में क्या कहा गया है काफिर उसको कुरान में काफिर क्योंकि अक्षरातीत और उसके साथ चलने वाले साथ पर जिस जिस लोगों ने बुरी नजर की तो उसको वही सजा मिल गई तो यहां धाम धनी ने बताया और अंतिम चौपाई महामती कहे सुनो साथ जी ये कीमत की बात जब आए तुम परनामी ने तब की ये विख्यात महामती कौन है यहाँ लालदासी महाराज के धाम दिल में बैठकर स्वयं धाम के धनी महामती के स्वरों में कह रहे कि सुंदर साह जी ये कीमत की बात मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बहुत गरिमामयी बात है ये जब तुम आए परनामी ने जब तुम परनामे आए ने तब ये तुम्हारे पर ये घटना हो घटी थी तब की ये विख्यात तब की ये विख्यात तो यहाँ ये प्रसंग को हम पूरा करेंगे और कल हम आगे शुक्राना या मंगलाचरण लेके अष्टपोहर की ओर आगे बढ़ेंगे और अब हम चौपाई दोहराएंगे बोलिए श्री प्राणनाथ महामती कहे सुनो सात जी ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮਾਤ ਜਬ ਆਏ ਤੁਮ ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਤਬ ਕੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਤ ਤਬ ਕੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਤ ਬੋਲਿਐ ਸਿ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਸਿ ਸਤਗੁਰੂ